अब बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर समझना है, एक उसूल समझना है, वो उसूल आपका एक रखता हूँ और से सुने फिर इंशाल्लाह से तस्वीर करूँगा। बहुत मोटा सा उसूल है, असल में उसूल क्या है, ये तो कॉमन सेंस है, उसूल नहीं बल्कि आम फॉर्म कॉमन सेंस है कि हर अच्छी चीज, हर कौले ज़रीन, हर अच्छी नसीहत इस्लाम नहीं हो सकती, बल्कि हर इस्लाम की बात, हर इस्लाम की, इस्लाम की हर बात अच्छी ही है, कौल ज़र्री ही है, अक्वाल ज़र्री में से ही है। मोटा सा उसूल है और लोग इस उसूल को न समझने की वजह से दीन इस्लाम को कहाँ से लेते हैं, पता है कहाँ से लेते हैं? न्यूज़पेपरों से, अखबारों से, चलते फिरते बयानों से। क्यों? वो समझते ये दीन है, जो अभी अच्छी नसीहत लगी, अच्छी बात लगी, समझते ये दीन है। नहीं, इसी तरह इस्लाम की बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हुई है। मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, एक हदीस को जमा करने के लिए मीलों मीलों सफ़र करके एक हदीस लेनी पड़ी, एक हदीस के पीछे कभी कभी हजार लोगों की जिंदगियों को पढ़ना पड़ा। कितनी? हजार लोगों की जिंदगियों को पढ़ना और परखना पड़ा कि वो आदमी कैसा था, तब जाके एक हदीस दीन इस्लाम के नाम पर मिली। ऐसा क्यों करना पड़ा? इसलिए क्योंकि लोग अच्छी बात कहते और कहते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, आप सलम की ये बात है कहते और अच्छी बात अपनी तरफ से घड़ते, अपनी तरफ से अच्छी बात लोगों को सुनाते और कहते कि इस्लाम में ऐसा है, अल्लाह ने ऐसा कहा, रसूल ने ऐसा कहा, फला सहाबी बहुत ज़्यादा मशहूर थे तो उनका नाम लेकर सुना देते। मोदी ने मौला ने ऐसे हर झूठे शख्स की बीख कनी की, जड़ से काट दिया उसको। बस आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप अजाब कबर का किसी को कहें कि जरा सा इस पर एक 15-20 मिनट तो सुनाओ, तो अजाब कबर पर जब वो बोलना शुरू करेगा, अगर वो अच्छा वाइज होगा, अच्छा वाइज होगा, नसीहत करने वाला मुकर्रर होगा, तो बोलते बोलते अपने तरफ दो चार बातें और छोड़ देता है। डरो, अजाब कबर बड़ा खतरनाक चीज है, वहां पर इतना मोटा साहब आएगा, वो ऐसा करेगा, जिसने एक घूंट भी शराब पी लिया उसको इतने साल एक फरिश्ता मारता रहेगा, जिसने एक मर्तबा भी गलती से सर खुजा लिया उसको 80 साल तक कोड़े पड़ेंगे। अब उसको डराना है ना, मकसद उसका क्या रहता, अजाब कबर डरा रहा था। अब जल्दी मालूम होता लोग डर नहीं रहे तो कुछ तो भी ऐसा मिर्च मसाला लगाना पड़ता कि लोग डर जाए। अब लोग जब सुनते रहते हैं तो वो इस्लाम समझ कर सुनते हैं, ये क्या हो रहा है, दीन के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर झूठी बातें मिलाकर दी जा रही है। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह अकबर, जो इल्म रखते हैं वो इस बात पर गवाह है मेरी बात पर, इतनी बातें आज भी इस्लाम के नाम पे हम में, आप में और अवाम और खवास में इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि निकाला जाए इस्लाम है या नहीं, इस्लाम है या नहीं निकाला जाए, बहुत मुश्किल बात होती है। एक बहुत अच्छी मोटी भी अल्लाह जहन बात डाली आपके अगर रखता हूँ, बहुत बिलखुसूस रमज़ान में बहुत आम किया जाता है, कहते हैं देखिए आप सल्लम की हदीस याद रखिए, मन अमिला अमलन लैस अलैही अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके ताल्लुक से हमारा कोई हुक्म नहीं है, फहुवा रद्दुन, वो मर्दूद है मर्दूद। लोग कहते हैं रमजान का पहला अशरा मगफिरत का, यानी रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का, कहते हैं या नहीं कहते? मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, एक बार तो अल्लाह तौफीक दे तुम्हें हमें, एक बार तो जाओ, अगर रसूल के नाम से हदीस बयान की जाती है तो किसी हदीस की किताब में तो मिले कि नहीं मिले? नहीं मिलना,
इतना मशहूर है अवाम में, कितनी बात मशहूर है, जबकि एक ये ज़ईफ और मौज़ू हदीस जो अवाम में फैलाई जाती है। अगर रमजान का पहला अशरा अगर रहमत वाला है तो मुहदीसी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पर कलाम करते हुए तंज व तनकीद करते हुए कहते हैं कि वो इस्लाम के पूरे रहमत और बरकत वाले महीने को मुकय्यद कर रहा है 10 दिन में। जो रमजान था, रमजान मुबारक कहते कि नहीं कहते हम लोग, यानी पूरा महीना बरकत वाला है, पूरा महीना रहमत वाला है, पूरा महीना नजात वाला है जहन्नम से, मगफिरत वाला, पूरे महीने में अल्लाह से आगे मगफिरत मांगो, पूरे महीने में रहमत अल्लाह की बरसती है, पूरे महीने में अल्लाह ताला आपने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हदीस सुनी ना कि हर रोज रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है और ऐलान करता है, तो रमजान में नहीं आता होगा, आता होगा ना। इसी तरह एक हदीस मुबारक का सही हदीस, अल्लाह ताला हर रोज इफ्तार के वक्त कईयों जहन्नमियों को आजाद करता है, ये सही हदीस। अच्छा हर रोज आजाद करता तो जाहिर सी बात है 29 से 30 दिन पूरे करता होगा या नहीं, क्या सिर्फ आखिरी 10 दिन करता होगा? क्यों ये झूठी हदीस अवाम में मशहूर है, क्यों ये झूठी हदीस हम में और आप में मौजूद है, हमारे अकायद में मौजूद है, क्यों मौजूद है? क्यों हम इस्लाम को खालिस नहीं करते? क्यों हम इस्लाम के ताल्लुक से आप सल्लम की मोहर, आप सल्लम का ऑथराइजेशन क्यों नहीं देखते? क्यों हमारा इल्म महदूद है? क्यों हमारा इल्म एक लम्हे के बाद जाकर रुक जाता है? एक वजह यह भी हो सकती है इसकी कि हम एक तो पहली बार खुद से मुताला करते नहीं है, और अगर करते करते अगर कोई जहन में सवाल आए या पूछे मौलाना इसके ताल्लुक से क्या, इमाम साहब इसके ताल्लुक से क्या, तो बोलते सर पर जिस तरह किसी, अल्लाह माफ़ करे, मिसाल गलत दे रहा हूँ मगर हकीकत